वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रो कैरियर्स में कैसे होता है और यू कैरियर्स में कैसे होता है और कहां कहां पे होता है, ये हम देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म क्या थे, कौन सा एंजाइम यूज होता था। अब हम देखेंगे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन इसमें कहाँ होता है, प्रो कैरियर्स में और यू कैरियर्स में कहाँ होता है। तो हम देखते हैं प्रो कैरियर्स में जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में हमारा प्रो कैरियर्स में होता है ट्रांसक्रिप्शन। जबकि हमारे यू कैरियर्स में अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इसमें हमारा न्यूक्लियस में होता है ट्रांसक्रिप्शन। जो प्रो कैरियर्स होते हैं इनमें सभी प्रकार के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज करता है, जो एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज करेगा, एमआरएनए हो या फिर आरआरएनए हो या फिर टीआरएनए, सभी प्रकार के आरएनए को बनाने का काम एक ही इसमें आरएनए पॉलीमरेज करता है। जबकि हमारे यूकैरियोट्स में तीन टाइप के जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ये काम करते हैं, जो अलग अलग प्रकार के आरएनए को बनाते हैं। जो इसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो आरआरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। अब हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ये क्या करता है, एचएनआरएनए बनाएगा, इसके बाद से एमआरएनए बनाता है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। उसके बाद से जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो टीआरएनए बनाता है और ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में हमारा होता है। तो अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स में कैसे हमारा होता है ट्रांसक्रिप्शन और हमारा यूकैरियोट्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये हम देखेंगे। तो ये हमारा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये उसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे डीएनए है और इस डीएनए से सबसे पहले एचएनआरएनए बनता है, ये इनमेच्योर आरएनए होता है, उसके बाद से हमारा एमआरएनए बनता है और जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जबकि हमारा यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में हमारा डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और इसमें एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए के बाद हमारा डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता है, उसका आरएनए प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद से हमारा एमआरएनए बनता है। यहाँ पे हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और हमारा जैसे ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होता है उसके जस्ट बाद ही हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन भी होने लगता है, उसका प्रोटीन सिंथेसिस भी होने लगता है। जबकि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस में हमारा बनेगा एमआरएनए और न्यूक्लियस में इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन इसका ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होगी, यहाँ पे न्यूक्लियस में नहीं होती है। और इसमें जो होता है दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं और इसमें दोनों प्रोसेस अलग अलग होती हैं। तो अब हम इसके आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है और यूकैरियोट्स में। तो जो हमारा प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें स्प्लिट जीन नहीं पाया जाता है। अब ये स्प्लिट जीन क्या होता है, तो स्प्लिट जीन जो होता है वो डीएनए का ही पार्ट होता है और जिनमें दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो एक होता है एक्जान होता है और दूसरा इंट्रॉन होता है। एक्जान जो होता है वो कोडिंग पार्ट होता है और जो इंट्रॉन होता है वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, ये हम आगे देखेंगे। अभी जो हमारा प्रोकैरियोट्स में एक्जान बस पाया जाता है, एग्जान जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो क्या करता है प्रोटीन का कोडिंग करता है और जिससे हमारा एमआरएनए बनता है। तो इसमें डीएनए का जो एग्जान होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और उससे एचएनआरएनए बनता है, उसके बाद हमारा एमआरएनए बनता है। इसमें किसी भी टाइप का आरएनए प्रोसेसिंग की प्रोसेस नहीं होती है। अब हम यूकैरियोट्स की बात करें, इसमें स्प्लिट जीन प्रेजेंट होता है और स्प्लिट जीन में दो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, एक को बोलते हैं एग्जान और दूसरे को बोलते हैं इंट्रॉन। एग्जान जो होता है वो प्रोटीन को कोड करता है, जबकि हमारा इंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, ये प्रोटीन को कोड नहीं करता है। तो हम डीएनए या फिर स्प्लिट जीन लिए हैं, इनमें दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एग्जान और इंट्रॉन, तो इन दोनों में एक कोडिंग है एक नॉन कोडिंग पार्ट है। तो इनका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उससे एचएनआरएनए बनता है। एचएन का फुल फॉर्म होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो जो इंट्रॉन पार्ट है वो हमारा क्या करेगा, प्रोटीन को कोड करेगा जिससे हमारा एमआरएनए बनेगा, लेकिन हमारा जो इंट्रॉन पार्ट है वो हमारा किसी भी टाइप के अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा और उससे हमारा एमआरएनए बनेगा ही नहीं, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने का जो काम होता है हमारा आरएनए प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, जिससे हमारा एमआरएनए बनता है। ये रहा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। तो आरएनए प्रोसेसिंग जो होता है केवल जो होता है यूकैरियोट्स में होता है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। यूकैरियोट्स में ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा स्प्लिट जीन है, स्प्लिट जीन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एग्जॉन और दूसरा होता है इंट्रॉन।
तो एग्जाम जो होता है उसमें कोडिंग वाला पार्ट होता है और उससे हमारा जो कोड होता है mRNA, लेकिन जो हमारा इंट्रॉन होता है उससे किसी भी टाइप का कोड नहीं होता है, वो एक फालतू का चीज़ है, उसे हटाना पड़ता है। तो उसको हटाने का काम कौन करता है, RNA प्रोसेसिंग के थ्रू हम उसे हटाते हैं। तो RNA प्रोसेसिंग जो होता है hnRNA से हमें पूरा मैच्योर mRNA बनाने की प्रोसेस जो कहलाती है उसे बोलते हैं RNA प्रोसेसिंग। इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं ये हम देखते हैं। तो RNA प्रोसेसिंग में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो कैपिंग होता है, उसके बाद से जो सेकेंड होता है वो टेलिंग होता है, और 3 जो होता है स्प्लाइसिंग होता है। तो अब हम देखते हैं RNA प्रोसेसिंग का जो फर्स्ट स्टेप है कैपिंग, वो कैसे होता है। तो ये हमारा hnRNA है जो 5' से 3' की ओर होता है, और ये जो होता है, ये जो ब्लैक वाला जो है हिस्सा, ये इसका इंट्रॉन पार्ट है, इसे हमें हटाना है, और ये वाला जो है ये एग्जॉन पार्ट है। तो हमें इंट्रॉन पार्ट को हटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कैपिंग करनी पड़ती है। तो जो hnRNA है उसके सिर पे हमें कैप बनाना पड़ता है, यानी कि कैप उसके सिर पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट की कैपिंग हम करते हैं। और ये कैपिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में जो पाया जाने वाला hnRNA है उसको हम साइटोप्लाज्म में ला सकें, जिससे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। तो इसी के कारण हम इसमें मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट को कैपिंग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हमने RNA प्रोसेसिंग की जो फर्स्ट स्टेप थी कैपिंग, वो हम देख चुके हैं। हमने कैपिंग क्यों की थी, तो हमने कैपिंग इसलिए की थी ताकि जो हमारा न्यूक्लियस में जो था hnRNA उसको हम साइटोप्लाज्म में ला सकें। तो साइटोप्लाज्म में हमारा आ चुका है hnRNA। अब हम इसकी टेलिंग करेंगे। तो टेलिंग में हम क्या करते हैं, तो पॉली एडिनाइलेशन करते हैं। तो पॉली एडिनाइलेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे 200 से 300 एडिनिन की चैन को ला करके हम इसके पीछे जोड़ देते हैं टेल पे hnRNA के। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा mRNA है वो स्टेबल रहे। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप जो हमारा होता है स्प्लाइसिंग का। तो हमारा थर्ड स्टेप जो स्प्लाइसिंग होता है, इसमें हम क्या करते हैं, तो स्प्लाइसिंग में हमारा एक RNA का टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। ये जो होता है एक प्रकार का राइबोजाइम एंजाइम होता है, और ये जो करता है ये इंट्रान वाले पार्ट को हटा देता है और एग्जॉन वाले पार्ट को, जो यहाँ पे स्पेस बचा है उसको जोड़ने का काम करता है, और उसके बाद से हमारा mRNA बन करके तैयार हो जाता है। तो ये रहा हमारा RNA प्रोसेसिंग और उसके स्टेप्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।